हर इंसान को झट झट से सीखना है और अगर आपको भी झट से सीखना है आप आए हो सही चैनल पर यह है क्लिप्स हिंदी सब्सक्राइब बेल आइकॉन गर्लफ्रेंड्स की बात तो मेरे को आ, आपकी गर्लफ्रेंड्स और मेरी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करना है बहुत नॉर्मल टॉपिक है आई हाँ। थिंक हाँ। हर रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है खुद के बारे में दुनिया के बारे में ऑब्वियसली वो गर्ल के बारे में तो आपकी लाइफ में एक जो सबसे बुरी गर्लफ्रेंड थी और एक जो सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड थी उन दोनों से क्या सीखा और फिर मैं कहूंगा मैंने क्या सीखा मेरी सबसे बुरी गर्लफ्रेंड थी आप रणवीर <laughs> नहीं बताना था यार ये नाजायज <laughs> रिलेशनशिप को नहीं डिस्क्लोज़ करना था <laughs> ठीक है खुद के बारे में बता <laughs> तो आ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि गर्लफ्रेंड्स बुरी थी शायद

Giving as a पार्टनर काफी रिलेशनशिप यहाँ पे बुरा था पे वो हंड्रेड परसेंट कम्पेटेबिलिटी नहीं थी यार कि कोई एक बंदा रिलेशनशिप में ज्यादा ध्यान दे रहा है hmm. ज्यादा प्यार दे रहा है hmm. <laughs> और, और और, और, बताओ और ज्यादा सम्मान दे रहा है सपोर्ट दे रहा है राइट वन वन साइडेड रिलेशन वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं यार एक तरफा प्यार अच्छा नहीं होता है ठीक hmm, <laughs> है बॉल, बॉलीवुड के पीछे मत तुम भागो फालतू में <laughs> फालतू के रणबीर कपूर के कॉन्सेप्ट्स मत सुनो ये एक तरफा प्यार की कीमत ही कुछ <laughs> और होती है नहीं what, चन्ना में रहना काफी लोगों के <laughs> 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 it's like भाई मुझे फील नहीं होना, फिर भी मैं चन्ना मेरा सुन लूंगा मेरे में हाँ। आ चन्ना मेरा बहुत अच्छा गाना था विराज आजकल बहुत सुनता है चन्ना मेरे मैं रोज <laughs> मैं बचपन से ही सुन रहा हूँ तो, वो ना बॉलीवुड में अनरेक्वेटेड लव को वन साइड बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है एक्चुअली अनहेल्दी होता है आपके लिए टॉक्सिक यार एवरीवन इज लाइक नहीं मैं प्यार में अपनी जो अन कुर्बान हूँ बट क्यू नहीं देनी जान नहीं देनी है भाई प्यार ही देना है सामने वापस hmm. प्यार का प्यार का बहुत ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट होता है बहुत लोगों के दिमाग में क्यों ये क्यों बोल रहे हो आप कि आई uh, फील कि प्यार एक्चुअली इवेंचुअली हर रिलेशनशिप में फेड अवे हो जाता है उसके बाद hmm. पार सिर्फ पार्टनरशिप बच जाती है फ्रेंडशिप बच जाती है बिल्कुल और प्यार डेफिनेटली होता है इनिशियल में मतलब शायद पांच साल बाद भी दस साल बाद भी पर जब आप बुढे बुड्ढी हो जाओगे तो आप हॉट तो नहीं दिखोगे तो हॉट हाँ, <laughs> तो नहीं दिखोगे एक दूसरे से हर मोमेंट ये नहीं कहोगे कि बेबी आई लव यू ये हाँ। वो इवेंचुअली आप लाइफ के बारे में बात करते हो जय शेट्टी हमारे जो इंग्लिश पॉडकास्ट के एक बहुत बहुत बढ़िया गेस्ट थे उन्होंने एक चीज कही थी उस पर कि अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप इज आप किसी का हाथ पकड़ रहे हो और कह रहे हो कि अभी ना हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, hmm. तो इन प्रॉब्लम्स का सामना हम साथ में करेंगे exactly. वो होती है रिलेशनशिप की मीनिंग ना कि चलो साथ में मिलकर सेक्स करेंगे yeah, चलो exactly. साथ में लव यू बोलेंगे। वो एक टीम टीम होता है यार एवरी hmm. you know? like hmm. टाइम और आपकी बेस्ट रिलेशनशिप से क्या सीखा बेस्ट रिलेशनशिप वॉज वेयर देर वॉज ग्रोथ ऑलवेज जहां पे स्पेस hmm. भी है बट ग्रोथ भी है ये आपको लगता है कि आप हो इसलिए ये कह रहे हो कि आपके लिए बेस्ट रिलेशनशिप ग्रोथ ओरिएंटेड रिलेशनशिप थी नॉट रियली आई मीन इवन इफ आई वॉज नॉट एन ऑटरप्रनोर राइट मैं सीख करूंगा कि यार बी इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे मैं रोज कुछ सीख रहा हूँ तुमसे आप, आप भी मुझसे कुछ सीख रहे हो hmm. और ये जब रिलेशनशिप होगी ना यू टू स्पीक टू एवरी रिलेशनशिप हर रिलेशनशिप की सबसे ज्यादा अहमियत सब आई थिंक कॉन्वर्जेशन और अंडरस्टैंडिंग पे दी, दी जानी चाहिए hmm. जब तुम अपने पार्टनर को समझ पाओगे तुम अच्छा कॉन्वर्जेशन कर पाओगे और कॉन्वर्जेशन मतलब यही नहीं कि यार मुझे स्पिरिचुअलिटी की ही बात करनी है मुझे चक्रास की ही बात करनी है नहीं भाई तुम अगर तुम सेम काइंड ऑफ ह्यूमर भी पसंद करते हो तुम सेम काइंड्स ऑफ टीवी शोज भी पसंद करते हो और एल्स तुम ओपन हो कि यार अच्छा तुम अगर तुम तुम्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा पसंद है और मुझे आ, गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद है तो ठीक है हम दूसरे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे वो स्टोरीज तो जब वो ओपननेस और वो चाइल्ड लाइक एंथुसियाज्म होता है ना रिलेशनशिप में कि यार ये ये जो बोल रहे हैं ना मुझे सुनना है ये तभी एक, वो मजा आता है एक बंदे को स्पेशली ऑन्टरप्रनोर को पर चलो ऑंट्रप्रनोर से कोई भी ambitious, ambitious बंदे को हाँ। जिसको ग्रोथ चाहिए लाइफ में हाँ। उसको अपनी गर्लफ्रेंड्स के थ्रू क्या मिलता है एंड ऑब्वियसली ये क्वेश्चन फीमेल है है हाँ, हाँ, कि एक जो अगर एम्बिशियस बंदी है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड से क्या मिल सकता है लाइक वॉट इज अ गुड केस सिनार्यो वन इज स्पेस क्योंकि ऑन्टरप्रिन जैसे हमारी बातें हो रही थी हमारी गपशप हो रही थी <laughs> वो दिन आ, स्पेस के बारे में स्पेस क्या होता है कि यार सांस लेने की जगह होनी चाहिए हाँ। एक सांस लेने की जगह होनी चाहिए बहुत डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो गया इट <laughs> शुड हाँ। <laughs> भी कि हाँ यार कि अच्छा अभी मैं काम कर रहा हूँ ठीक है तो मुझे अभी नई लवी बातें करनी है फॉर एग्जांपल या अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे वो कॉल पे नहीं आना जहाँ पे मैं तुम्हें या तुम मुझे अपने सहेली के बॉस के mm. भाई के बारे में मैं बता रहे शुड बी अ टाइम फॉर दैट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गार्बेज कॉन्वर्जेशन अगेन ऐसे मत सोचो कि यार तुम अगर डीप कॉन्वर्जेशन और तुम बुक्स और स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही बात कर रहे हो तो ही वो अच्छी रिलेशनशिप है बट देर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग जब तुम्हें पता है कि यार डे इन द डे आई थिंक दिस पर्सन इज अ लिटिल बिजी माई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इज अ लिटिल बिजी तो मैं उनको नहीं कॉल करूंगा या करूंगी आई नो उनका फुल अटेंशन हमें ये एक स्पेसिफिक टाइम पे मिलने हाँ, वाला है। वो ट्रस्ट होना चाहिए कि exactly. कहीं भाग के नहीं जा रहे Exactly। और वो जब वो ट्रस्ट तभी आएगा जब तुम सिक्योर हो अपने आप खुद हाँ खुद के साथ जब तुम्हें पता है कि यार आई ट्रस्ट द पर्सन ब्लाइंडली और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ मैं ना ही कहीं और मुंह मार रहा हूँ मैं नहीं चीटिंग कर रहा हूँ मैं और, किसी और लड़कियों से बात नहीं कर रहा हूँ इन दैट सेंस तो एक ट्रस्ट होना चाहिए इंसान हो तो तुम भी सिक्योर फील करोगी तुम भी यही assume करोगी कि हाँ यार मैं भी लॉयल हूँ वो भी लॉयल ही है hmm. और इस हिसाब से ये जब अजम्शन होता है ना दिस इज माई रूल ऑल्सो मैंने ये रिसेंटली ट्विटर पर भी लिखा था कि uh, कोई भी टाइप की रिलेशनशिप्स हो uh, बिजनेस या रोमांटिक या दोस्ती मे मेरा एक रूल है थम रूल है कि मैं एक इंसान को दो बार ट्रस्ट करता हूँ ठीक है पहली बार uh, अगर उन्होंने मुझे बिट्रे किया या मुझे धोखा दिया मैं बोलूँगा ठीक है कोई बात नहीं मैं नोटिस करूँगा वो बट मैं कन्फ्रेंट नहीं करूँगा मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं आप कम्युनिकेट करोगे पर मैं कम्युनिकेट भी नहीं करूँगा मैं उनको एक और चांस दूंगा कि ठीक है अगर कि मुझे तो पता है इसने क्या किया है बट अगर उसको पता है कि मुझे भी पता चल गया है, तो ही विल नॉट डू दैट अगेन इंटेंशनली एवर अगेन ठीक है वो वापस वो नहीं गलती फरमाएंगे बट अगर उन्होंने एक और बार ये किया क्योंकि उनको लगा कि यार इसको थोड़ी पता चलेगा यार ये तो बेवकूफ है ये किया है तब मुझे पता चल जाएगा कि इसका इंटेंशन ही गलत था कि ये ये जा ही रहा था मुझे छुट्टिया बनाने के लिए इसको इसको मुझे बेवकूफ बनाना ही था Hmm. तो ये ये मेरा रूल है कि हाँ ये तो फिर आ, ये चीटर है बंदा hmm. तो राहुल <laughs> राहु <लिज़ चीट laughs> ये क्या हो गया आपको? <laughs> ये <क्या> हो गया? <laughs> <laughs> कि कि बंदा चीटर ही है तो तो इसके साथ मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगा इनके साथ मैं ना ही बिजनेस करूंगा लेकिन हाँ हाँ कि ये मेरा थम रूल है आ, दो बार ट्रस्ट करो उसके बाद अच्छा